नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधार क्लास की स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। मेरा नाम है कपिल कुमार और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने आज फिर ऐसी ट्रिक जिसे आप देखकर सब चौंक जाओगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किसी भी दो नंबर की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाल दें। सिर्फ दो या तीन सेकंड में वर्ग निकालना किस तरीके से, आज हम सीखेंगे। जैसे दो नंबर की बात करेंगे हम, तो दो नंबर जैसे 16, 17, 78, जैसे 85, यानी दो नंबर आने चाहिए, जैसे 98, जैसे 77, सिर्फ दो नंबर आने चाहिए, हम कैसे वर्ग निकालते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दें ताकि इससे अगले आने वाली वीडियो वो आप तक पहुँच जाए। तो मैं आपको बता दूँ, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा 2ab, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बस याद रखना है। अब बात करते हैं यो कैसे निकालते हैं वर्ग। भैया इसका फार्मूला है, याद रख लो, ए स्क्वायर इधर, बी स्क्वायर इधर, 2ab बीच में, इसे डब्बे में बंद कर लो। ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं, कोई सा नंबर ले लो, जैसे हमने नंबर ले लिया दो नंबर 15, 15 का हम स्क्वायर निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे, मैंने भी फार्मूला बताया आपको कि आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइन खींचनी है, ए स्क्वायर तो इधर लिखना है, बी स्क्वायर इधर लिखना है, 2ab इधर लिखना है। तो याद रखना, ये तो कोई भी नंबर ab का नंबर होगा भाई, वो ab का नंबर होगा, ठीक है। जैसे 25 है, 25 का मतलब यो a है यो b है। अब जैसे 78 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, तो 78 में यो 7a है 8b है, बस यही याद रखना है। अब हम किसका निकाल लेते हैं, 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, अब इधर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 5 × 25, इधर क्या आएगा, 5 × 10 × 1, यानी 10 × 10। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, याद रखना हमें जोड़ना हमें इधर से है, इधर से चलना हमें जोड़ के। कैसे जोड़ेंगे, सबसे शुरू में 5, याद रखना जोड़ना सिंगल ही डिजिट है, यो इधर जो डिजिट आई बची हुई इधर जोड़ दो, कितना हो गया, यहाँ हो गया 12। अब 12 में से भी एक ही डिजिट लेनी है हमें, 2, अब यहाँ कितनी बची, 1 कैरी, वो इधर चला जाएगा, कितना हो गया 225, तो इसका कितना आ गया 225। और ले लो जैसे 26 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, 6 × 6 = 36, 6 × 12 = 24, लास्ट में लिखेंगे 6, 3 इधर कैरी कर लेंगे, कितना हो गया 27, 27 का क्या आ जाएगा 7 लिखेंगे, ये 2 इधर कैरी, कितना आ गया 6 इधर पहुंच जाएगा, तो कितना आ गया 676। और ले लो जैसे 35 का स्क्वायर क्या होगा भैया, कैसे करते हैं हम, 3 × 9 = 5 × 25, 25, 5 × 15 = 30, अभी से ऐड करो, पहले लिखेंगे 5, 2 इधर कैरी हो जाएगा, कितना हो गया 32, 32 का 2, 3 इधर कैरी हो गया, कितना हो गया 9 × 3 = 12 आंसर। और देख लो 48 ले लो, 48 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 4 × 16, 8 × 8 = 64, 8 × 32 = 64, सबसे पहले क्या करना है हमें, इधर से चलना, 4 लिखेंगे, यो इधर कैरी हो जाएगा 6, तो कितना आ गया 70, 70 का कितना आ गया 0,
इधर यो 7 बचा, यो इधर आ जाएगा, 7 और 16 23, तो आंसर कितना आ गया 2304। और बड़ी संख्या ले लो जैसे 55 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 दूनी 50। इसका कैसे करेंगे, 5 ये बचा, 2 2 इधर कैरी, कितना हो गया यहाँ 52, 52 में भी 2 लिखेंगे, 5 इधर कैरी कर जाएगा, तो इधर क्या बचा 30, तो कितना आ गया 3025। और ले लो संख्या, कुछ बड़ी संख्या ले लो जैसे 87, 87 का स्क्वायर कैसे करोगे आप, सबसे पहले 8 8 64, 7 7 49, 7 8 56 दूनी 112। अब क्या लिखोगे, 9 लिखते हैं सबसे शुरू में, ये 4 कैरी इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर 116, 116 का 6, और ये 11 कैरी हो जाएगा इधर, 11 आएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 75, 64 और 11 75, तो यहाँ क्या आ गया 75, तो आंसर कितना आ गया इसका 7569। ठीक है, जैसे एक और ले लो 99, 99 का स्क्वायर कैसे होगा भैया, 9 9 81, 9 9 81, 9 9 81 दूनी 162। इसमें देखो पहला 1 लेंगे, ये 8 कैरी इधर हो जाएगा, तो 8 ये कितना हो गया 170, 170 का 7 यहाँ बचा 17, तो 17 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 98, तो आंसर कितना आ गया 9801। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं ऐसी ऐसी वीडियो और आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अगर किसी को हमें हमारी इस वीडियो पे कुछ कमेंट वमेंट लिखना है तो वो भी लिख के दे सकता है, और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।